हेलो गाइस, अब हम बता रहे हैं आपको कि एमटीपी नवंबर 21 में सी फाइनल सीएमपी में क्या नया आया। सिर्फ और सिर्फ एक ही क्वेश्चन था, जीईएल वाला लर्निंग कर्व से जुड़ा हुआ। जो ओल्ड सिलेबस के एक अडॉप्टेड क्वेश्चन है उसमें ये पार्ट फोर नया है। ठीक है, ये आईसीई मैट मई 22 में भी एडिशन में जो आया हुआ है उसमें भी डाला गया है, मई 22 एडिशन में भी डाला हुआ है। ठीक है, तो मेरा पहले ही कहना है कि आप इसको एक बार अटेम्प्ट करिए और फिर आप मेरे सॉल्यूशन को सुनिए। ठीक है, सिंस मैंने आईसीई मैट मई 22 एडिशन में इसको करा दिया है जब मैं इसका रिव्यू किया था, तो ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन अब वहीं से आपके लिए स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, बट पहले आप रुक के अपने से एक बार इसको करिए और पार्ट फोर के बारे में सोचिए, क्योंकि वो नया है, और उसके बाद आप चेक करिए। ऐसे सीधा चेक मत करिए, पर रुक के करिए। ठीक है, ग्रेट ईस्टर्न अप्लायंस मैन्युफैक्चर कंज्यूमर ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स इन अ वेरी हाईली कॉम्पिटिटिव मार्केट। गेल इज कंसिडरिंग लॉन्चिंग अ न्यू प्रोडक्ट किचन केयर इन टू द मार्केट एंड गैदर्ड द फॉलोइंग डेटा। मार्केट प्राइस, मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, वेरिएबल ओवरहेड सब दिया हुआ है आपको। बट लेबर कॉस्ट में पर आवर दिया हुआ है, वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट दिया हुआ, मतलब ये आवर के साथ वेरी नहीं कर रहा है। पैकिंग मशीन कॉस्ट स्पेशली टू बी परचेज फॉर दिस प्रोडक्ट 5 लाख दिया हुआ है। गेल एक्सपेक्ट्स द सेलिंग प्राइस फॉर द न्यू प्रोडक्ट विल कंटिन्यू थ्रू आउट द प्रोडक्ट्स लाइफ एंड अ टोटल ऑफ 1000 यूनिट्स कैन बी सोल्ड ओवर द एंटायर लाइफ टाइम ऑफ द प्रोडक्ट। लाइफ टाइम 1000 यूनिट अपने बेच सकते हैं, प्राइस आपका थ्रू आउट द लाइफ सेम रहेगा, अलग अलग प्राइस नहीं आ रहा है। लेबर कॉस्ट आर एक्सपेक्टेड टू रिड्यूस एज द वॉल्यूम ऑफ आउटपुट इंक्रीजेस ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ 80% लर्निंग कर्व। उसका इंडेक्स आपको दिया हुआ है -0.3219। एक्सपेक्टेड टाइम टू बी टेकन फॉर द फर्स्ट यूनिट इज 30 आवर्स। पहला यूनिट मतलब लॉट साइज नहीं है कुछ, एक एक करके बन रहा है। फर्स्ट यूनिट के लिए 30 आवर्स एंड लर्निंग इफेक्ट इज एक्सपेक्टेड टू एंड आफ्टर 250 यूनिट्स हैव बीन प्रोड्यूस। तो 1, 2, 4, 8, 16 करके हम जा रहे हैं, तो 250 डबल करके नहीं आ रहा। फिर यूनिट्स प्रोड्यूस आफ्टर फर्स्ट 250 यूनिट्स विल टेक द सेम टाइम एज द 250th यूनिट। 250th यूनिट का टाइमिंग कैसे निकाला जाता है, 249 और 250 का डिफरेंस को लेकर, याद आ रहा है। तो कैलकुलेट करना है एक्सपेक्टेड टोटल लेबर आवर्स ओवर लाइफ टाइम ऑफ द प्रोडक्ट किचन केयर। ये कैसे आएगा टोटल ओवर लाइफ टाइम, इसके लिए कुछ आपको क्या, हाँ यहाँ पे कुछ देखो वैल्यूज भी दिए हुए हैं, 250 टू द पावर और 249 टू द पावर का। ठीक है, तो पहले अपने ये फर्स्ट पार्ट को क्रैक करते हैं। टोटल लेबर आवर्स ओवर द लाइफ टाइम, टोटल लेबर आवर्स ओवर द लाइफ टाइम ऑफ द प्रोडक्ट किचन केयर, तो ये कैसे आएगा। फर्स्ट 250 के लिए लर्निंग रेट अप्लाई हो रहा है, फर्स्ट 250 यूनिट्स बोलना था, 250 यूनिट्स के लिए लर्निंग रेट अप्लाई हो रहा है। आप ये कॉपी में कर लो प्रॉपर लिख के, क्वेश्चन तो इंस्टीट्यूट मैट से मिल जाएगा। ठीक है, फर्स्ट 250 यूनिट्स के लिए लर्निंग रेट अप्लाई हो रहा है आपका, पहला 250 तक लर्निंग लागू हो रहा है, उसके बाद 250th यूनिट वाला लर्निंग कंटिन्यू हो रहा है। तो यहाँ पे सिस्टम क्या हो रही है, यहाँ पे सिस्टम हो रही है ऐसा कुछ कि पहला 250 तक लर्निंग रेट रेट लागू हो रहा है, उसके बाद जो 250th यूनिट आ रहा है, ये 250th यूनिट है, उसका टाइम रेस्ट 750 तक कंटिन्यू हो रहा है। यहाँ पे जो टाइम है ना वो ये वाला टाइम है, यहाँ पे जो टाइम है वो ये वाला टाइम है, और ये है ये फर्स्ट 250, और यहाँ पर नेक्स्ट 750 में आपका 250th यूनिट का टाइम यूज़ होगा, यहाँ पे 250th यूनिट का टाइम आएगा, और ये 249 होगा। ठीक है, 249 और 250 का जो डिफरेंस है आंसर आएगा वो 250th यूनिट का टाइम होगा, जो आपका आगे कंटिन्यू होगा, और फर्स्ट 250 में टाइम डिक्लाइन करते करते 80% लर्निंग रेट पे चलेगा। तो ये इसका तरीका क्या होता है, पहले पता करना पड़ेगा एवरेज ऑफ फर्स्ट 250। उसके लिए आप y इज इक्वल टू a इंटू एक्स टू द पावर b यूज़ करेंगे। a का वैल्यू टाइम ऑफ फर्स्ट विच इज 30 है ना, फर्स्ट का 30, x मतलब जिसका एवरेज निकाल रहे 250, b मतलब लर्निंग कर्व इंडेक्स जो दिया हुआ है -0.3219, 250 टू द पावर -0.3219। तो इसकी वैल्यू आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हो, डर्टी पावर सिंपल कैलकुलेटर से, या फिर यहाँ पे जो वैल्यू दी हुई है उससे बैठा दीजिए, तो 0.1691 यहाँ बैठा देंगे, 30 इंटू 0.1691
करने से आंसर क्या आ रहा है? ये आ रहा है 5.073। ओके सो देयर फोर टोटल ऑफ फर्स्ट 250 कितना होगा, इंटू 250 कर दिया जाएगा तो 1268.25 यानी 5.073 इंटू 250। इंटू 250 करेंगे ये आ रहा है 1268.25। ठीक है, अब नेक्स्ट 750 यूनिट्स का टाइम निकालना है। तो उसका ट्रिक क्या है क्वेश्चन में कि 250th यूनिट का टाइम आगे कंटिन्यू हो रहा है। ठीक है, 250th यूनिट का टाइम हम कैसे निकालेंगे? 250th यूनिट का टाइम आगे कंटिन्यू हो रहा है। सो फर्स्ट 249 यूनिट्स का टाइम निकालो, दैट विल बी y इज इक्वल टू 30 इंटू 249 टू द पावर 0.1691 इंटू क्या 49 टू द पावर पॉइंट माइनस 0.3219। वही इक्वेशन है, a का वैल्यू 30 डाल दिया, x का वैल्यू 249 डाल दिया, ऊपर में b का वैल्यू होगा लर्निंग कर्व इंडेक्स विच इज माइनस 0.3219 और इसकी वैल्यू अपने को दी हुई है क्वेश्चन में विच इज 0.1693। 0.1693 करने से कितना आ रहा है, 30 इंटू 0.1693 ग्यारह 5.079। तो इससे आ जाएगा टोटल ऑफ फर्स्ट 249 यूनिट्स, इसका टाइम निकाल लो, इंटू 249 5.079 इंटू 249 ग्यारह 1264.67। ठीक है, तो इन दोनों का डिफरेंस से आ जाएगा 250th यूनिट का टाइम इज इक्वल टू टोटल ऑफ फर्स्ट 250 माइनस टोटल ऑफ फर्स्ट 249। टोटल ऑफ फर्स्ट 250 माइनस टोटल ऑफ फर्स्ट 249 यानी कि 1268.25 माइनस 1264.67 1268.25 माइनस 1264.67 ग्यारह 3.58 ठीक है। तो ये 250th यूनिट का टाइम आ गया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, देयरफॉर टाइम ऑफ 750 यूनिट्स क्या होगा, 3.58 into 750 यार 2685। तो टोटल टाइम ऑफ 1000 यूनिट्स कितना होगा ओवर लाइफ, 250 यूनिट्स का टाइम प्लस 750 यूनिट्स का टाइम। मेन चीज क्या था, 750 यूनिट्स में ये बोला है ना कि पहला 250 तक आपका टाइम रिड्यूस हो रहा है, बट उसके बाद 250th यूनिट का टाइम कंटिन्यू हो रहा है फॉर नेक्स्ट 750। नेक्स्ट 750 के लिए ये टाइम आ गया, तो आंसर क्या आएगा, 1268.25 प्लस 2685 3953.25 आवर्स आ रहा है, 3953.25 आवर्स आ रहा है। देखो यहाँ पे भी वही आंसर है, 3953.25 आवर्स। ओके, सेकंड पार्ट को पढ़ो एक बार, आप इसको कंप्लीट करो और सेकंड पार्ट को पढ़ो। सेकंड पार्ट बोल रहा है प्रॉफिटेबिलिटी दैट गेल विल अर्न ओवर द लाइफ टाइम। लाइफ टाइम का रेवेन्यू मालूम है, खर्चा मालूम है, तो प्रॉफिट निकाल दो। मैं प्रॉफिट ओवर लाइफ बोलता है ना, तो पूरा फिक्स कॉस्ट चार्ज करना चाहिए, बस ये डिफरेंस है। यह पार्ट टू, प्रॉफिटेबिलिटी ओवर लाइफ।
रेवेन्यू 5,000 इंटू 1,000, आप आंसर लिखो अपने आप। लेस मटेरियल कॉस्ट कितना करके है, 1850 करके, 1850 इंटू 1,000। लेबर कॉस्ट कितना करके है, 80 पर आवर, टू टोटल आवर था 395, 3.25। वेरिएबल ओवरहेड कितना करके है, 1,000, 1,000 इंटू 1,000। फिक्स्ड ओवरहेड कितना कर गया, फिक्स्ड ओवरहेड है यानी कि पैकिंग मशीन कॉस्ट जो है 5 लाख। देखो प्रॉफिटेबिलिटी आ जाएगा 50 लाख, 1850, 3,16,260, 10 लाख और 5 लाख। देखो कितना आ रहा है प्रॉफिट, 1,333,740। ठीक है, ये है ना, पार्ट टू भी हैंडल हो गया। नेक्स्ट पार्ट थ्री में क्या बोल रहा है, मैं फटाफट कर रहा हूं, मैं ज्यादा आपको समय नहीं दे रहा, रफली आप करते जा रहे हैं। टारगेट लेबर कॉस्ट ओवर लाइफ इफ इट रिक्वायर्स अ प्रॉफिट ऑफ 800 टू अचीव इट्स लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स। 800 प्रॉफिट चाहिए यदि, टारगेट लेबर कॉस्ट क्या होगा, टारगेट लेबर कॉस्ट बैक कैलकुलेशन कर देंगे। अगर मेरा रेवेन्यू मुझे मालूम है 5,000 करके आता है पर यूनिट पे ही चल रहे हैं, उसमें से मैं प्रॉफिट मेरे को चाहिए 800, मेरा कॉस्ट होना चाहिए 4,200, राइट। इसमें से लेस कर रहा हूँ मटेरियल कॉस्ट विच इज 1850, लेबर कॉस्ट फिर है वेरिएबल ओवरहेड, ये लेबर कॉस्ट बैलेंसिंग फिगर होगा, वेरिएबल ओवरहेड, और इसमें क्या ना पैकिंग कॉस्ट को भी अपोर्शन करना पड़ेगा। लाइफ ओवर लाइफ का बात हो रहा है ना, ये प्रॉफिट कब तक अर्न करना है आपको, ओवर द लाइफ टाइम, ओवर लाइफ टाइम में अपने पास 1,000 यूनिट है, पैकिंग कॉस्ट को 5 लाख डिवाइड बाई 1,000 करेंगे जाएगा 500। ठीक है, नहीं अपना टोटल कॉस्ट होना चाहिए, आप लेबर को यहाँ पे ले करके लेबर आ जाएगा। बैलेंस कितना रहा देख लो, 4,200, 1,850, 1,500, माइनस करके बच रहा है बैलेंसिंग फिगर 850। ठीक है, ये आपका आंसर है 850, 850 कैसे भी कर लीजिए। अब पार्ट फोर में चलोगे तो यहां एक नया चीज है जो हम लोग का ओल्ड सिलेबस में नहीं था। पार्ट फोर में बोल रहा है इंप्लीमेंटेशन ऑफ टारगेट कॉस्टिंग रिक्वायर्स इंटेंसिव मार्केटिंग रिसर्च। Why intensive marketing research is required to implement target costing comment? ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से पढ़ो। इसमें टारगेट कॉस्ट क्या होता है पहले वो बताओ, वॉट इज टारगेट कॉस्ट, इट्स द डिफरेंस बिटवीन प्राइस एंड टारगेट मार्जिन। ठीक है, अब इस मेथड में क्या होता है कि आपको पता करना पड़ता है, यू हैव टू डिटरमाइन हियर कि व्हाट इज द, यू हैव टू डिटरमाइन हियर व्हाट इज द मार्केट रिक्वायरमेंट, यू हैव टू डिटरमाइन हियर व्हाट इज द मार्केट रिक्वायरमेंट। ओके,
दिस इज द की टू सक्सेस हियर, इसलिए इट रिक्वायर्स मार्केट रिसर्च. दिस इज अ कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक दैट एम्स टू प्रोड्यूस एंड सेल दैट विल इंश्योर द टारगेट मार्जिन. इट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ प्रोडक्ट डिजाइन. वाइल डिजाइनिंग द प्रोडक्ट कंपनी नीड्स टू अंडरस्टैंड वैल्यू, वॉट वैल्यू कस्टमर्स विल असाइन टू डिफरेंट एट्रीब्यूट्स एंड डिफरेंट आस्पेक्ट्स ऑफ क्वालिटी. एंड दिस रिक्वायर यूज ऑफ टेक्निक्स लाइक इंजीनियरिंग एंड एनालिसिस. इंटेंसिव रिसर्च इज रिक्वायर्ड टू मेक टू अंडरस्टैंड कस्टमर प्रेफरेंस एंड द वैल्यू दे असाइन टू ईच एट्रीब्यूट एंड क्वालिटी पैरामीटर. दिस इनसाइट इज रिक्वायर्ड टू बी डेवलप्ड मस्ट बिफोर द प्रोडक्ट इज इंट्रोड्यूस्ड. मच लिखा हुआ होना चाहिए, मच बिफोर द प्रोडक्ट इज इंट्रोड्यूस. द कंपनी प्लेज विद इन द स्पेस बिटवीन मैक्सिमम एट्रीब्यूट्स एंड क्वालिटी दैट द कंपनी कैन ऑफर एंड द मिनिमम एक्सेप्टेबल टू टारगेट कस्टमर्स. Therefore, in absence of intensive market research, the target costing technique cannot be used effectively. पहले कैसे इसका पावर नोट्स लिखेंगे, वॉट इज टारगेट कॉस्ट पहले बता देंगे कैसे आता है, ठीक है. सेकेंड नंबर आप क्या बोलेंगे कि इसमें हम लोग ये चेक करेंगे कि कितना वैल्यू वैल्यू असाइंड बाय कस्टमर है टू ईच एट्रीब्यूट. एट्रीब्यूट मतलब होता है कि एक एक जो आप फीचर देते हो ना, वो आपको कस्टमर के एंगल से सोचना है. और इस वैल्यू को पता करने के लिए मार्केट रिसर्च इज रिक्वायर्ड. मार्केट रिसर्च इज रिक्वायर्ड फॉर इट बिफोर द प्रोडक्ट लॉन्च. बस ये शॉर्टकट है, नहीं तो आप लॉन्च करके अनसक्सेसफुल हो जाएंगे. आप कोई भी वैल्यू लेकर आएंगे, कस्टमर उसको वैल्यू नहीं देता है, कस्टमर उस फीचर को इम्पोर्टेंट नहीं समझता है, तो आपका प्रोडक्ट चलेगा नहीं. आपको वही चीज़ के ऊपर ध्यान देना होगा जिस पे कस्टमर ध्यान देता है, ठीक है. तो ये था आपका एक नया चीज़ जो पहले कभी आया नहीं है, ये लिखने का वो बनता नहीं अगर एक बार पढ़ा नहीं है तो. हालांकि बच्चा लोग इसी तरह से अपना भाषा में लिखेगा, और मेरे हिसाब से ये उतना भी टिपिकल नहीं है कि अगर फर्स्ट टाइम किसी को लिखना पड़े तो आप नहीं लिख पाएंगे. टारगेट कॉस्टिंग के बारे में पता है तो मार्केट रिक्वायरमेंट तो वहाँ पे पता करना ही पड़ता है टू असर्टेन कि व्हाट फीचर्स कस्टमर वांट एंड व्हाट प्राइस दे आर विलिंग टू पे फॉर. ऐसे कोई बच्चा लिखता, बट ये वर्ड अगर एग्जैक्ट पकड़ना है तो वैल्यू असाइंड बाय कस्टमर टू ईच एट्रीब्यूट, ये वाला हम लोग नहीं लिखते हैं जो यहाँ पर आपको हाईलाइट करके दिया हुआ है. और ये भी है कि इसमें एक और अच्छी बात बोला हुआ है कि मैक्सिमम कितना आप दे सकते हैं और कस्टमर कितना मिनिमम चाहता है, इन दोनों के बीच में हम लोग को प्ले करना पड़ता है, ठीक है.